हेलो फ्रेंड, नमस्कार। वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड। वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड हार्दिक स्वागत करता हूँ। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो चैनल विजिट कर रहे हैं, पहली बार जो चैनल्स को देख रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर मैं जॉब, इमिग्रेशन, वीज़ा और ट्रैवल ब्लॉग की लेटेस्ट वीडियो बना के डालता रहता हूँ, जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फुल होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में जो बेल का बटन है उस पर आप क्लिक कर दीजिए, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए जो वीडियो की अपडेट है वो आपको मिलता रहे। फ्रेंड्स, आज मैं बात करूँगा उरुग्वे के वीज़ा के बारे में। आप उरुग्वे का वीज़ा कैसे ले सकते हैं उसके बारे में आज मैं आपको बताऊँगा, और स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा प्रोसेस बताऊँगा कैसे क्या करना है और कहाँ से आपको लेना है, क्या चीज़, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए और वीज़ा की फ़ीस कितनी है। सारा का सारा अपडेट आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से दूँगा, तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, तो आपको स्टेप बाय स्टेप एक ही समझ में आएगा। और वीडियो बहुत शॉर्ट है तो पूरी वीडियो देखिए। तो फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ उरुग्वे की वीज़ा के बारे में। तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि अगर आप इंडियन पासपोर्ट होल्डर हो तो आपको उरुग्वे का वीज़ा अप्लीकेशन करने के लिए कोई भी फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। आपका जो वीज़ा फ़ीस है वो बिल्कुल फ्री है। एम्बेसी में जाके आप उरुग्वे की एम्बेसी जो दिल्ली में है वहाँ पर जाके आप उरुग्वे का वीज़ा का अप्लीकेशन कर सकते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है। लेकिन अगर मेरे कुछ सब्सक्राइबर फॉरेन के भी हैं, तो अगर आप नेपाल के हैं या मालदीव के हैं या बांग्लादेश के हैं या श्रीलंका के हैं, तो आपको $42 आपको फ़ीस देना पड़ेगा। तो अगर आप नेपाल, बांग्लादेश या फिर भूटान या पाकिस्तान या श्रीलंका के हो आप, तो आपको $42 आपको पे करना पड़ेगा, वीज़ा अप्लीकेशन की फ़ीस है। उसके बाद फ्रेंड्स, मैं बात करता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो जो वीज़ा का अप्लीकेशन फॉर्म है उसको आप उरुग्वे की ऑफिशियल वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद उसको आपको अच्छे से फिल करना है, और आपके पासपोर्ट, आपका जो पासपोर्ट हो वो 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। मतलब अगर आप अप्लीकेशन कर रहे हो तो आपका जो पासपोर्ट हो कम से कम 6 महीने तक वो वैलिड रहना चाहिए। साथ ही साथ उसमें 4 पेजेस आपके सादे हों, इस पर कोई स्टैंप ना लगा हो, कोई वीज़ा ना लगा हो। उसके बाद फिर अगर कोई आपको उरुग्वे से स्पॉन्सर करता है तो वो पूरा आपको एक स्पॉन्सरशिप लेटर में एफिडेविट करा के आपको लिख के दे कि हाँ, आपको वो स्पॉन्सर कर रहा है और आप उसके यहाँ रुको, वो आपका सारा कुछ खर्चा आपका वहन करेगा। तो ये चीज़ उसको देना पड़ेगा। और अगर आपका कोई वहाँ पे नहीं है, कोई रिलेटिव वहाँ पे नहीं है, कोई फ्रेंड्स आपका वहाँ पे नहीं है, तो आपको होटल की बुकिंग आपको देनी पड़ेगी। आप जिस होटल में रुक रहे हैं उसकी होटल बुकिंग का वाउचर आपको लगाना पड़ेगा। और उरुग्वे का ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लगता नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपको उरुग्वे अगर आप जा रहे हैं तो आपके पास अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड ये आपके पास होना चाहिए, और आपका जो बैंक स्टेटमेंट है वो भी आपका लगेगा। उसकी फ़ोटोकॉपी आप वीज़ा अप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सबमिशन कर सकते हैं। और जो आरक्षण टिकट है, आप डमी टिकट का यूज़ कर सकते हैं, डमी टिकट आप लगा सकते हैं, और डमी टिकट मान्य है, डमी टिकट आप लगा सकते हैं। और वीज़ा के फॉर्म को आप अच्छे से अप्लीकेशन कर दीजिए। अप्लीकेशन करने के बाद आप उरुग्वे में की एम्बेसी में आप जाके जमा कर सकते हैं। तो जो एम्बेसी का एड्रेस है वो दिल्ली का है, और वहाँ पे आप सत्यापित कर सकते हैं। और मैं उरुग्वे की एम्बेसी का आपको एड्रेस बताता हूँ, एड्रेस कहाँ है। आपका जो उरुग्वे एम्बेसी है उसका एड्रेस है 3, आप उसको नोट कर लीजिए, B8/3 वसंत विहार, नई दिल्ली। और बाकी आप उरुग्वे की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाओगे तो आपको उरुग्वे की एम्बेसी कहाँ है उसको आप जाके देख सकते हो। और उरुग्वे जो है वो वर्क परमिट भी प्रोवाइड कराता है। उसका वर्क परमिट के लिए आपको उरुग्वे की कोई कंपनी है उसके साथ में उसका आपको एग्रीमेंट मंगाना पड़ेगा। उसका एग्रीमेंट आप दिखाओगे कि कौन सा एम्प्लॉयर है, कौन सी कंपनी है जो आपको उरुग्वे काम करने के लिए बुला रहा है, तो वो चीज़ आप दिखाओगे, और वो पूरा आपका एक एग्रीमेंट पेपर रहेगा जिसको आप जाके एम्बेसी में सबमिशन कर दोगे, वहाँ पे आप लगा दोगे। बाकी उरुग्वे का स्टूडेंट वीज़ा भी है, स्टूडेंट वीज़ा भी आप लगा सकते हो, स्टूडेंट वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपका कोई रिलेशन है, आपका कोई, आपकी वहाँ शादी हुई है या फिर कोई आपका रिलेटिव वहाँ पर रहता है, तो आप फैमिली वीज़ा भी आप अप्लाई कर सकते हो। तो फैमिली वीज़ा
अगर आपकी वाइफ है या फिर आपका कोई रिश्तेदार है तो आप फैमिली वीज़ा अप्लाई कर सकते हो और फैमिली वीज़ा भी आप ले सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो आप लोग को देना था। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। तो और वीडियो के लिए आप लाइक से सब्सक्राइब करिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा उरुग्वे का वर्क परमिट कैसे लें। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।